Welcome back students. We will start about the new chapter and the name of the chapter is animal tissue. Animal tissue जो है biology की एक specific branch है और इस branch का नाम होता है यहाँ पर histology. Biology के अंदर अलग अलग branches पाए जाते हैं और different branches जो biology की हैं हमारे chapter उन्हीं से जो है related होते हैं. तो ये जो हमारा चैप्टर है एनिमल टिश्यू दैट इज़ रिलेटेड विद द स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज़ कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू. हिस्टोलॉजी का मतलब रहेगा दैट इज़ कॉल्ड एज स्टडी ऑफ टिश्यू दैट इज़ कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी. जितने भी मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं देयर बॉडी दैट इज़ मेड बाय लार्ज नंबर ऑफ सेल. और यहाँ पर जो लार्ज नंबर ऑफ सेल से मिलकर बने हुए होते हैं ग्रुप ऑफ सेल उसी को कहा जाएगा टिश्यू. तो यहाँ पर टिश्यूज़ जो होते हैं प्लांट बॉडी के अंदर भी टिश्यू रहेंगे, एनिमल बॉडी के अंदर भी टिश्यू यहाँ पर पाए जाते हैं. और यहाँ पर हमें इस चैप्टर के अंदर सिर्फ देखना है एनिमल टिश्यू के ताल्लुक से. अब यहाँ पर जो टिश्यू की जो शुरुआत होती है वो सेल से होती है. अगर पूछा जाए व्हाट इज सेल, सेल दैट इज़ कॉल्ड एज यूनिट ऑफ लाइफ. किसी भी लाइफ की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की शुरुआत एक सेल से होती है, इसीलिए सेल को कहा जाता है यूनिट ऑफ लाइफ. और सेल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. किसी भी बॉडी के स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करना है और वो जो यहाँ पर स्ट्रक्चर मेंटेन होगा फिर वो पर्टिकुलर सेल दे आर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. वो स्पेसिफिक फंक्शन के लिए भी जिम्मेदार रहेंगे. इसीलिए सेल वो तो यूनिट ऑफ लाइफ है या उसी को कहा जाएगा, हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी उसको जो है यहाँ पर कहा जाता है. फिर सेल के बाद यहाँ पर नंबर आता है वो टिश्यू का. टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल. अगर यही बहुत सारे सेल हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ एक सेल यहाँ पर रहने वाला है. मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म देयर बॉडी इज़ मेड बाय लार्ज नंबर ऑफ सेल. और जब ये लार्ज नंबर ऑफ सेल इकट्ठा होते हैं तो ग्रुप ऑफ सेल दैट आर फॉर्मिंग और वो ग्रुप ऑफ सेल दैट इज़ कॉल्ड एट टिशू. अब टिशू के अंदर जो ग्रुप ऑफ सेल हैं दैट आर हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. ये जो ग्रुप ऑफ सेल रहेगा ये तमाम का तमाम ग्रुप के अंदर जितने भी सेल हैं वो तमाम के तमाम दे आर हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. उनका स्ट्रक्चर, उनकी बनावट भी एक जैसी रहेगी और वो सेम फंक्शन, सिमिलर फंक्शन जो यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर जो जिम्मेदार होते हैं. तो यहाँ पर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म आइदर दैट मे बी प्लांट, दैट मे बी एनिमल, दे मे बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे मे बी ह्यूमन बींग, वो सब जो है यहाँ पर सेल्स मिलकर बने हैं. यूनिट ऑफ लाइफ उसको कहेंगे. ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन दैट इज़ कॉल्ड एज टिशू, उसको जो है यहाँ पर टिशू कहा जाता है. और यही टिशू इसकी जो स्टडी रहने वाली है दैट स्टडी इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी, इसी को जो यहाँ पर हिस्टोलॉजी कहेंगे. अब जब यहाँ पर हम एनिमल बॉडी के अंदर यहाँ पर देखते हैं एनिमल बॉडी दैट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यू. एनिमल बॉडी के अंदर दो टाइप के जो टिश्यू होते हैं. पहली टाइप जो होती है उसको कहा जाता है सोमैटिक टिश्यू. पहली टाइप यहाँ पर जो पाई जाती है सोमैटिक टिश्यू, या एनिमल बॉडी के अंदर दो किस्म के सेल भी हम कह सकते हैं सोमैटिक सेल. और दूसरी टाइप जो होती है दैट इज़ कॉल्ड एज जर्मिनल सेल. इस तरीके से टू टाइप्स ऑफ सेल यहाँ पर जो है मौजूद होते हैं. सोमैटिक सेल जो यहाँ पर पाए जाते हैं एनिमल बॉडी के अंदर, सोमैटिक सेल का मतलब होता है जनरल बॉडी सेल. जनरल बॉडी सेल यहाँ पर जो पाए जाते हैं यानी जनरल बॉडी सेल के अंदर यहाँ पर स्पर्म और ओवम के अलावा, स्पर्म और ओवम के अलावा जितने भी सेल यहाँ पर पाए जाएंगे वो तमाम के तमाम जो रहेंगे वो जनरल बॉडी सेल के अंदर शुमार होगा. स्पर्म का मतलब होता है मेल गैमेट, ओवम का मतलब होता है फीमेल गैमेट. ये दो कंपोनेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को छोड़कर अब बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं दोज आर कॉल्ड ए जनरल बॉडी सेल, या उसको जो है यहाँ पर सोमैटिक सेल हम यहाँ पर कहेंगे. इसी तरीके से जर्म सेल या जर्मिनल सेल जो यहाँ पर मौजूद होते हैं इनके अंदर यहाँ पर जो है स्पर्म और ओवम वो इसके अंदर जो है यहाँ पर जर्म सेल के अंदर उनका शुमार होता है. स्पर्म और ओवम, स्पर्म यानी मेल गैमेट, ओवम यानी फीमेल गैमेट, जो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा लेने वाले हैं
ये सिर्फ जो है यहाँ पर जर्म सेल होते हैं या जर्मिनल सेल इनको जो है कहा जाता है, तो ये कंडीशन जो है यहाँ पर इनके अंदर जो है यहाँ पर पाई जाती है। तो एनिमल बॉडी के अंदर सोमेटिक सेल, जनरल बॉडी सेल एक्सेप्ट स्पर्म एंड ओवम, और स्पर्म और ओवम को जो है यहाँ पर जर्मिनल सेल के नाम से पहचाना जाता है। अभी इस चैप्टर के अंदर हमें जो देखना है एनिमल सेल एनिमल टिश्यू के अंदर जो हमें जो टॉपिक देखना है वो हमें यहाँ पर सोमेटिक टिश्यू सोमेटिक सेल के ताल्लुक से देखना है। जब एनिमल बॉडी को हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर एनिमल बॉडी की हिस्टोलॉजी जब हम देखते हैं, फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी के अंदर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट। पहली टाइप जो होती है दैट इज कॉल्ड एज एपिथेलियल टिश्यू। दूसरी टाइप यहाँ पर जो पाई जाती है दैट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। तीसरी टाइप जो होती है दैट इज कॉल्ड एज मस्क्यूलर टिश्यू। और चौथी टाइप जो होती है टिश्यूज की एनिमल बॉडी के अंदर दोज आर कॉल्ड एज नर्वस टिश्यू। इस तरीके से ये चार टाइप के टिश्यू और इनकी जो अलग अलग टाइप्स हैं इस टॉपिक के अंदर हमें यहाँ पर उसको जो है देखना रहेगा। एपिथेलियल टिश्यू दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एपिथेलियम। ये कहाँ पर होते हैं? हमारे बॉडी की आउटर सरफेस या बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं, ऑर्गन की आउटर मोस्ट कवरिंग और इनर मोस्ट कवरिंग जो पाई जाती है दोज आर मेड बाय एपिथेलियल टिश्यू। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी या प्रोटेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन। पूरे ऑर्गन के प्रोटेक्शन करना या पूरे बॉडी का प्रोटेक्शन करना ये एपिथेलियम का काम होता है, एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है। दूसरी टाइप यहाँ पर जो दी हुई है कनेक्टिव टिश्यू। एज द नेम इंडिकेट्स दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से जो यहाँ पर ज्वाइंट होता है तो वहाँ पर दोनों का जो जंक्शन है, दोनों का जो पॉइंट होता है, वहाँ पर स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यूज यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो दो ऑर्गन को कनेक्ट करते हैं। और जब दोनों ऑर्गन को कनेक्ट दो ऑर्गन कनेक्ट करेंगे तो उनके दरमियान कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पाया जाएगा। तो ये कनेक्ट करने वाले जो टिश्यू होते हैं दैट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा यहाँ पर जो होता है मस्क्यूलर टिश्यू। हमारे बॉडी के आउटर सरफेस हड्डियों के ऊपर जो गोश्त है उजलात हैं ये मसल्स होते हैं, दीज आर मेड बाय मस्क्यूलर टिश्यू। इसी तरीके से बॉडी के अंदर जो ऑर्गन हमारे हार्ट है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ये भी मसल्स मिलकर बने हुए होते हैं। हर एक अपना अपना वर्क कर रहा है। बॉडी के बाहर जितने भी मसल्स हैं ये वॉलंट्री मसल कहलाते हैं। दे वर्क विथ अवर विल पावर, ये हमारी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं। लेकिन बॉडी के अंदर के हिस्से में स्टमक है, इंटेस्टाइन है, हार्ट है, लंग्स हैं, ये ऐसे मसल्स होते हैं जिनको कहा जाता है इनवॉलंटरी मसल। दे डू नॉट वर्क विथ अवर विल पावर, ये हमारी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करेंगे। उनका जो काम है वो अपना अपना वर्क अपनी स्पीड के साथ यहाँ करते रहेंगे। दूसरे का यहाँ पर जो हम अपनी मर्जी के मुताबिक काम नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर द पार्ट ऑफ द बॉडी और द ऑर्गन ऑफ द बॉडी विच आर मेड बाय स्पेसिफिक टाइप ऑफ मसल्स दोज आर कॉल्ड एज मस्क्यूलर टिश्यू। और आखिरी टाइप यहां पर जो पाई जाती है दैट इज कॉल्ड एज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू ये तमाम इकट्ठा होने के बाद दे फॉर्म द नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम का हेड क्वार्टर हमारा ब्रेन है जो स्कल के अंदर खोपड़ी के अंदर यहां पर मौजूद है। फिर ब्रेन की ब्रांच एक निकलती है जिसको कहा जाता है यहां पर स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बहुत ढेर सारे यहां पर नर्व फाइबर निकलते हैं जो पूरे बॉडी के तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम उसका होता है। तो ये नर्वस टिश्यू यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। इन दिस वे एनिमल बॉडी दैट कंसिस्ट ऑफ दीज फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू और उसके बाद जो नर्वस टिश्यू, ये चार टाइप के जो है यहाँ पर टिश्यूज जो यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसके अंदर हमें डिटेल में अभी जो देखना है वो वी विल सी अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहला जो टिश्यू हमें यहाँ पर देखना है, सबसे पहले हमें देखना है एपिथेलियल टिश्यू। इसके स्ट्रक्चर कैसा है और व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज आर प्रेजेंट इन दैट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो है यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट पार्ट ऑफ ऑर्गन ऑफ बॉडी, ये ऑर्गन के सबसे बाहर के हिस्से में या सबसे अंदर के हिस्से में या बॉडी के सबसे बाहर और सबसे अंदर के हिस्से में जो है यहाँ पर जो है मौजूद होते हैं। ये कंडीशन इसके अंदर पाई जाती है। हमारी स्किन है, स्किन के ऊपर सबसे बाहर एक बारीक लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है, वो एपिथेलियल टिश्यू है। और स्किन के अंदर के हिस्से में भी एक लेयर वहाँ पर पाई जाएगी
होगी वो भी जो यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पर पाए जाते हैं, आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ऑर्गन और पूरा बॉडी वहाँ पर जो एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ये कंडीशन होती है, ऑल द सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विद ईच अदर, तमाम के तमाम सेल जो रहेंगे वो एक दूसरे कॉम्पैक्टली अरेंज रहेंगे। अगर कॉम्पैक्टली अरेंज है तो हम कह सकते हैं नो इंटर सेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, यहाँ पर जो है कोई भी इंटर सेलुलर स्पेसेस यानी सेल के बीच में कोई गैप यहाँ पर नहीं पाया जाएगा। ऑल द सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज, एक दूसरे को मजबूती के साथ पकड़े हुए रहेंगे, तो यहाँ पर सेल के बीच में कोई इंटर सेलुलर स्पेस यानी कोई गैप वगैरह यहाँ पर नहीं पाया जाएगा। जब हर सेल एक दूसरे को कॉम्पैक्टली अरेंज रहेंगे तो इसका जो रोल रहेगा, इसका जो फंक्शन रहेगा वो रहेगा यहाँ पर प्रोटेक्शन, यानी जिस पार्ट पर ये मौजूद हैं उस पार्ट का प्रोटेक्शन करना, ये उसका जो है यहाँ पर काम होता है, ये उसका काम होता है। अब ये तमाम के तमाम जो सेल रहेंगे, सपोज़ अगर ये सेल इस तरीके से ये यहाँ पर सेल मौजूद हैं, एक दूसरे कॉम्पैक्टली अरेंज है, कोई गैप नहीं पाया जाए, तमाम के तमाम सेल हैं, एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पर मौजूद हैं। अब ये तमाम के तमाम सेल जो रहेंगे, ऑल द सेल्स आर अटैच्ड, तमाम के तमाम सेल यहाँ पर जो रहेंगे दे आर अटैच विद द हेल्प ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये तमाम के तमाम सेल जो यहाँ पर पाए जाएंगे एक बारीक मेम्ब्रेन, एक बारीक झिल्ली यहाँ पर पाई जाएगी जिसके ज़रिए तमाम के तमाम यहाँ पर अटैच रहेंगे। ये जो मेम्ब्रेन यहाँ पर पाई जाती है दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज बेसमेंट मेम्ब्रेन, तमाम के तमाम सेल एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके ऊपर तमाम के तमाम सेल जो रहेंगे कॉम्पैक्टली अरेंज रहेंगे और इनके दरमियान में नो इंटर सेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, तमाम सेल एक दूसरे को जकड़े हुए रहेंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज रहेंगे इस तरीके से दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, ये जो है यहाँ पर प्रोटेक्शन का काम जो है यहाँ पर करती है। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं दैट आर शोइंग वेरिएबल शेप्स, अलग अलग शेप इसके अंदर यहाँ पर मौजूद रहेंगे, वो जो शेप इसके अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं, कुछ ऐसे भी सेल इसके अंदर रहेंगे जो कि पॉलीगोनल शेप में रहेंगे, पॉलीगोनल मेनी एंगल्स यहाँ पर पाए जाएंगे, अलग अलग शेप में यहाँ पर जो सेल रहेंगे पॉलीगोनल शेप में रहेंगे, कुछ ऐसे भी यहाँ पर सेल रहेंगे जो कि कॉलम लाइक रहेंगे, उनको कहा जाएगा कॉलमनार एपिथेलियम यहाँ पर जो है कहा जाएगा, कुछ यहाँ पर ऐसे भी सेल रहेंगे जो क्यूब शेप में रहेगा उसको कहा जाएगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इस तरीके से दीज आर कॉल्ड एज डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेल, और ये तमाम के तमाम जो सेल रहेंगे ये लिविंग सेल रहेंगे, और लिविंग सेल की पहचान ये रहेगी कि हर एक सेल जो रहेगा वो न्यूक्लिएटेड रहेगा, और हर एक सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस यहाँ पर जो है पाए जाएंगे, न्यूक्लिएटेड रहेगा, सिंगल न्यूक्लियस जो उनके अंदर जो यहाँ पर पाए जाएंगे, ये कंडीशन भी इसके अंदर जो यहाँ पर मौजूद होती है। हर एक सेल यहाँ पर मैंने कहा लिविंग सेल है, और लिविंग सेल हैं, न्यूक्लियस यहाँ पर जो रहेंगे तो दे आर हैविंग द पावर ऑफ रीजेनरेशन, रीजेनरेशन यानी उनके अंदर जो सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी पाई जाएगी, सेल डिवाइड होने की प्रॉपर्टी उनके अंदर जो यहाँ पर पाई जाती है, और इनका जो रोल रहेगा, इनका जो वर्क ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी के अंदर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन यहाँ पर जो है सप्लाई करना ये उनका काम रहेगा। प्रोटेक्शन के अलावा कुछ जगहों पर जब ये सेल रहेंगे तो इनका काम यहाँ पर एब्सॉर्प्शन भी हो सकता है, कोई केमिकल है, वाटर है या कोई और भी मटेरियल है उसको एब्सॉर्ब करना भी रहेगा। कहीं पर बॉडी के अंदर ये सेल जो रहेंगे उनका काम रहेगा सीक्रीशन भी हो सकता है, कोई चीज़ जो है यहाँ पर सीक्रीट करना, कोई चीज़ खारिज करना, ये भी काम रहेगा। तो मेन इनका जो फंक्शन होता है वो प्रोटेक्शन का काम है, कोई चीज़ एब्सॉर्ब भी करेंगे और कहीं पर कोई चीज़ सीक्रीट भी करेंगे, ये भी इनका जो है यहाँ पर काम होता है। इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ हैं जो यहाँ पर जो है एपिथेलियल टिश्यू से पाए जाते हैं। अब एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पर देखा जाता है, बेसिकली इसके अंदर दो टाइप्स मौजूद होते हैं, एक होता है यहाँ पर सिंपल एपिथेलियम और दूसरा होता है यहाँ पर कंपाउंड एपिथेलियम। एपिथेलियल टिश्यू की जो है यहाँ पर बेसिकली दो टाइप हैं, सिंपल एपिथेलियम और दूसरा होता है कंपाउंड एपिथेलियम।
सिंपल एपिथेलियम यहाँ पर जो मौजूद होते हैं, दीज आर मेड बाय सिंगल लेयर ऑफ सेल, दीज आर मेड बाय सिंगल लेयर ऑफ सेल। और कंपाउंड एपिथेलियम जो यहाँ पर पाए जाते हैं, दे आर मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम। जहाँ पर कंपाउंड एपिथेलियम रहेगी वहाँ का जो पार्ट रहेगा थिक रहेगा, क्योंकि मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन द एपिथेलियल टिश्यू। और जहाँ पर ये रहेंगे सिंगल लेयर, तो एक बारीक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर यहाँ पर पाया जाएगा। पैर का जो हील होता है, पैर की जो एड़ी का पार्ट है, पूरे बॉडी का वेट उसी के ऊपर यहाँ पर पाया जाता है। तो पैर का जो हील होता है, आप देखो दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम। उसकी स्किन जो है यहाँ पर मोटी होती है, पूरे बॉडी का वेट वो टॉलरेट कर लेता है। और बाकी बॉडी के अंदर जो दूसरे पार्ट होते हैं, थिन लेयर वहाँ पर पाई जाती है, दीज आर मेड बाय सिंगल लेयर ऑफ सेल, तो उसको जो है सिंपल एपिथेलियम के नाम से पहचाना जाएगा। तो ये हमारे सामने हो जाता है चार टाइप के एनिमल टिश्यू में से। यहाँ पर जो रहेगा ये एपिथेलियल टिश्यू पहले हमने देखा है, इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट पार्ट ऑफ ऑर्गन और बॉडी ये रहेगा। दिस ऑल द सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज, नो एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट इन दैट। इस वजह से इसका जो फंक्शन रहेगा वो प्रोटेक्शन होता है। और ये तमाम के तमाम सेल जो रहेंगे, दे आर अटैच विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इनके शेप अलग अलग रहेंगे, पॉलीगोनल शेप में रहेगा, क्यूबॉइडल शेप में रहेंगे, कॉलमनार सेल्स, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद रहेगा। और हर एक सेल के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस रहेगा, सिंगल न्यूक्लियस पाया जाएगा। जब न्यूक्लियस किसी भी सेल के अंदर होता है तो दैट सेल इज कॉल्ड एज लिविंग सेल। और लिविंग सेल दे हैव पावर ऑफ रीजेनरेशन, डिवाइड होना और नए सेल का फॉर्मेशन करना, ये एबिलिटीज के अंदर पाई जाती है। तो इनका जो रोल है, इनका जो फंक्शन होता है, प्रोटेक्शन के अलावा एब्सॉर्प्शन भी है, सीक्रेशन भी है, ये कंडीशन भी पाई जाती है। उसके अलावा यहाँ पर जो है बेसिकली यहाँ पर देखा जाता है दो टाइप यहाँ पर मौजूद होती है, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम दीज आर मेड बाय सिंगल लेयर ऑफ सेल, और यहाँ पर कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड बाय लार्ज नंबर ऑफ सेल, या उसको जो है मल्टी लेयर्ड यहाँ पर हम कह सकते हैं। अब हमें यहाँ पर जो है इसके बाद देखना है ये जो अलग अलग शेप यहाँ पर पाए जाते हैं, कहीं पर फंक्शन प्रोटेक्शन है, कहीं पर एब्सॉर्प्शन है, कहीं पर सीक्रेशन है। तो यहाँ पर बॉडी के अंदर, एनिमल बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर कई टाइप के सिंपल एपिथेलियम होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल सी अबाउट द टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम, जो अलग अलग टाइप उसको हम देखेंगे। उसके पहले आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।